आप देख रहे हैं सियासत। हंगामा राजनीति में आम है, लेकिन राजनीति में खामोशी बड़ी खलती है और कई बार कुछ घेरा अर्थ भी रखती है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मायावती चुप है। आपको बता दें, ये वही मायावती है जो 4 बार यूपी की सीएम रह चुकी है। मायावती 3 दशकों से भी ज्यादा समय से यूपी की राजनीति में बड़ा चेहरा रही है। वहीं आज मायावती चुप क्यों है, इसका केवल आकलन किया जा सकता है, लेकिन उनका सफर जरूर भारतीय राजनीति में अमिट छाप छोड़ने वाला रहा है। तो आइए आज नजर मायावती के सियासी सफर पर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश सियासत। मायावती उर्फ चंदावती देवी का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। उनकी माता का नाम रामरति और पिता का नाम प्रभु दयाल था। मायावती के पिता उन्हें कलेक्टर बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत सारा वक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी में लगा दिया। इसी के दौरान उन्होंने शिक्षिका के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। मायावती के जीवन में कांसी राम के बढ़ते प्रभाव से उनके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने मायावती को कांसी राम के पद चिन्हों पर न चलने की सलाह दी। फिर भी मायावती ने अपने पिता की बात अनसुनी कर बड़े पैमाने पर कांसी राम द्वारा शुरू किए गए कार्यों को और परियोजनाओं से जुड़ गईं। सन 1984 तक मायावती ने बतौर शिक्षिका का काम किया। वे कांसी राम के कार्य और साहस से काफी प्रभावित थी। 1984 में जब कांसी राम ने एक नए राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, तो मायावती शिक्षिका की नौकरी छोड़कर पार्टी की पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गईं। उसी साल उन्होंने मुजफ्फरनगर जिले की कैराना लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव अभियान आरम्भ किया। सन 1985 और 1987 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की। आखिरकार सन 1989 में उनके दल बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव जीता। मायावती अपने शासनकाल में कई विवादों और घोटालों के आरोपों में जरूर रही हो, पर उनका राजनीतिक अभ्युदय सचमुच अद्भुत रहा है। एक सामान्य परिवार से आई दलित महिला ने ऐसा मकाम हासिल किया जैसा इस देश के इतिहास में कम ही महिलाओं ने किया है। विवादों की परवाह किए बिना मायावती के समर्थकों ने हर बार उनका साथ दिया और अपनी वफादारी साबित की। मायावती ने दलितों के दिल में अपनी जगह खुद बनाई और दलितों में अपने प्रति विश्वास कायम किया। तो यह थी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की कहानी। ऐसी और राजनीतिक हस्तियों की कहानियां जानने के लिए देखते रहिए सियासत। आप देख रहे हैं सियासत।